हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो घोस्ट ब्राइड ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट टू वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पार्ट वन वीडियो को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट टू स्टार्ट होती है और लीलैन कैलेंडर में 10 दिन बाद के एक डेट को मार्क करके खुद को याद दिलाती है कि उसे 10 दिन के अंदर अंदर तियानचिन के कातिल को ढूंढ के निकाल होगा। फिर वो आम्हा के पास जाके उनको तियानचिन की कही हुई बातें बताती है। ये सब कुछ सुन के आम्हा उससे पूछती है कि वो ऐसे कैसे तियानचिन की बातें मान गई। तो लीलैन उसे बोलती है कि उसके पापा को बचाने का उसके पास यही एक रास्ता है। लीलैन की बातें सुन के आम्हा सोचती है कि उन्हें भी लीलैन को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तियान भाई लीलैन के घर आता है, वो एक डॉक्टर था और वो लीलैन के पापा का चेकअप करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता असल में लीलैन के पापा को क्या हुआ है। यानबाई को देख के लीलैन उससे बातों ही बातों में तियानचिन के मौत के बारे में पूछने लगती है कि तियानबाई को क्या लगता है कि किसने तियानचिन को मारा होगा। तो लीलैन को अचानक से तियानचिन के मौत के बारे में जानने में इंटरेस्टेड देख के तियानबाई उससे पूछता है, तुम तियानचिन के बारे में जानना क्यों चाहती हो। तो लीलैन इस बात को कैसे भी करके टाल देती है और इसके बाद उसकी इयररिंग ढूंढने के बहाने से लीलैन तियानबाई के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ वो कुछ बहाना करके उस घर के किचन में जाके उस चाय पत्ती को ढूंढने लगती है जिसकी बनी हुई चाय पी के तियानचिन की मौत हुई थी। तो उस चाय पत्ती को ढूंढते हुए उसकी मुलाकात फिर से एयरलैंग से होती है और उसे वहाँ देख के लीलैन एज यूजुअल उससे झूठ बोलती है कि वो वहाँ उसकी इयररिंग ढूंढने आई है। ये सुन के एयरलैंग समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो लीलैन को चिढ़ाने के लिए उससे बोलता है, क्या तुम चाय पत्ती में अपनी इयररिंग ढूंढने आई हो? तो यहाँ पर और भी डिब्बे हैं, वहाँ पर भी देख सकती हो। ये सब कुछ सुन के लीलैन समझ जाती है कि वो उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एयरलैंग शिम नाम के एक सर्वेंट के पास जाके अपने गुड लुक्स का फायदा उठा के उससे फ्लर्ट करने लगता है और बातों ही बातों में उससे तियानचिन के बारे में जानकारी लेने लगता है कि उसकी मौत कैसी हुई थी और वो किस किस्म का लड़का था। अब एयरलैंग की तियानचिन के बारे में जानना चाहता था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। लीलैन इन नाम के एक सर्वेंट को पटा के उसे तियानचिन के मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में उसकी हेल्प करने के लिए मना लेती है। फिर तियानबाई लीलैन को उसके साथ कॉफी पीने बोलता है, तो कॉफी पीते हुए लीलैन जानबूझ के अपने ऊपर कॉफी गिरा देती है और फिर बाथरूम जाने का बहाना करके वो तियानचिन के रूम में जाने लगती है, क्योंकि इन ने उसे बताया था कि तियानचिन जिस चाय पत्ती की बनी हुई चाय पीता था वो चाय पत्ती तियानचिन के रूम में है। तो तियानचिन के रूम में जाते हुए लीलैन देखती है कि एयरलैंग एक रूम से एक बुक को छुपा के कहीं ले जा रहा है। ये देख के वो उसे रोकती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो और इस बुक को छुप छुप के कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बारे में तियानबाई को बता दूंगी। ये सुन के एयरलैंग सोचता है कि अगर उसने लीलैन को सच नहीं बताया तो उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो उसे बताता है कि वो हेवन का एक गार्ड है। ये सुन के लीलैन ऑब्वियसली पहले विश्वास नहीं करती, तो एयरलैंग उसे मैजिक करके दिखाता है, जिसके बाद लीलैन को एयरलैंग के बातों पर भरोसा हो जाता है। तो एयरलैंग उसे बताता है कि तियानचिन की आत्मा मरने के बाद भी नेदर वर्ल्ड में ही है, जो कि हेवन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, और शायद उसने नेदर वर्ल्ड के किसी ऑफिशियल को पैसे खिला के अपने आप को वहां रखा है, और अब मुझे तियानचिन की आत्मा को नेदर वर्ल्ड से हेवन में ले जाना होगा और ये करने के बाद मेरी प्रमोशन हो जाएगी, जिस प्रमोशन के लिए मैं 500 साल से वेट कर रहा हूँ। ये सब कुछ सुन के लीलैन एयरलैंग को उसके पापा को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन एयरलैंग बोलता है कि वो अब लीलैन की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुन के लीलैन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते हुए लीलैन एक रूम में उस चाय पत्ती के डिब्बे को देखती है, तो वो उस रूम में जा ही रही होती है तभी वहाँ तियानबाई आ जाता है। तो वो तियानबाई के सामने कुछ बहाना बना के उस घर से निकल जाती है और घर के बाहर जाके इनके मदद से एक सर्वेंट बन के फिर से घर में जाती है। इस बार भी एयरलैंग उसे पकड़ लेता है और जानबूझ के उससे बहुत सारा काम करवाता है। लीलैन मौका देख के फिर से उस चाय पत्ती के डिब्बे को ढूंढने के लिए उसी रूम में जाती है, वो रूम तियानबाई की थी। तो वहाँ उस डिब्बे को ढूंढते हुए वो उसकी लिखी हुई चिट्ठी को देखती है जिसको उसने तियानबाई के लिए लिखा था। तो वो उस चिट्ठी को लेके पढ़ने जाती है, तभी
तभी एरलैंग आके उस चिट्ठी को ले लेता है और एरलैंग से उस चिट्ठी को लेने के चक्कर में लीलन घर में सब कुछ तहस नहस कर देती है। ये आवाज सुन के यान बाई और मैडम लिम उस रूम में आते हैं तो उन दोनों को देख के लीलन झूठ मूठ का बहाना बना देती है और बोलती है कि एरलैंग उसको तंग कर रहा है। ये सुन के मैडम लिम एरलैंग को काम से निकाल देती है और लीलन को घर के बाहर छोड़ने जाते हुए रास्ते में उसे तियानचिन से शादी करने के बारे में सोचने बोलती है। उधर आमहा फिर से तियानचिन के भूत को भगाने के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करवाती है लेकिन वो रिचुअल्स तियानचिन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता बल्कि तियानचिन उन रिचुअल्स की वजह से आमहा के ऊपर भड़क जाता है। घर में जाते हुए लीलन की मुलाकात फिर से एरलैंग से होती है और वहां मिलके वो दोनों एज यूजुअल झगड़ा करने लगते हैं। रात में लीलन फिर से तियानचिन को अपने सपने में देखती है, ये देख के वो डर जाती है। सुबह तियानबाई लीलन के घर में जाता है जहाँ से वो दोनों घूमने जाते हैं और वहाँ लीलन तियानबाई को तियानचिन की कही हुई सब बातें बता देती है। ये सब कुछ सुन के तियानबाई उसे बोलता है, हालांकि मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं इन बातों पे विश्वास कर रहा हूँ और मैं तुम्हें तियानचिन के कातिल को ढूंढने में हेल्प करूंगा। ये सुन के लीलन को अच्छा लगता है। शाम में लीलन और तियानबाई एक साथ कुछ खाने जाते हैं और वहाँ उन दोनों को हंसते हंसते बातें करते हुए एरलैंग दूर से देखता है। तभी तियानबाई को ढूंढते हुए इजाबेल नाम की एक लड़की आती है तो तियानबाई उसको लीलन से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि इजाबेल उसकी फियांसे है। ये सुन के लीलन का दिल टूट जाता है और लीलन को दुखी देख के एरलैंग को बुरा लगता है। उधर हम आमहा को देखते हैं और तियानचिन उनके ऊपर गुस्सा होकर उनको हार्म करता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।